ओके आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है करंट इलेक्ट्रिसिटी में, उसका नाम है किरचॉफ्स लॉ। ये किरचॉफ्स लॉ क्या होते हैं और इन्हें कैसे अप्लाई किया जाता है वो हम इस क्लास में सीखेंगे। एक्चुअली किरचॉफ ने दो लॉ दिए थे जिसकी मदद से हम काफी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स को सॉल्व कर सकते हैं। वो सर्किट्स इलेक्ट्रिकल सर्किट जिसमें सीरीज और पैरेलल फाइंड करना रेजिस्टेंस के बारे में काफी मुश्किल होता है, ये लॉ कैसे अप्लाई किए जाते हैं वो हम कुछ क्वेश्चंस से सीखेंगे। जैसे मैं पहला क्वेश्चन जो बोर्ड पे ले रहा हूँ वो है एग्जाम्पल 3.43। उस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड द करंट इन डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ द इलेक्ट्रिक सर्किट शोन इन फिगर। तो हमें एक इलेक्ट्रिक सर्किट शो किया गया है, पहले हम उसको बना लेते हैं। तो ये वो इलेक्ट्रिक सर्किट है तो इस इलेक्ट्रिक सर्किट में ये तीन सेल हैं, 2 वोल्ट वैल्यू का, 4 वोल्ट वैल्यू का और 6 वोल्ट वैल्यू का, और रेजिस्टेंसेस हैं 4 ओहम, 2 ओहम, 2 ओहम एंड 4 ओहम। ओके, तो इस क्वेश्चन में हमें जब हम इस सर्किट को ऑन करेंगे, प्रेस करेंगे, तो हर ब्रांच में कितना करंट निकल जाएगा, फ्लो करेगा, वो हमें निकालना है। अब ऐसे कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को सॉल्व करने के लिए हम किरचॉफ्स लूप लॉ का इस्तेमाल करते हैं। किरचॉफ्स लॉ का कैसे, सबसे पहले इस इलेक्ट्रिकल सर्किट में हम करंट डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो हम एक ये सेल है पॉजिटिव टर्मिनल का, एक ये है, हम लेट कर लेते हैं इस सेल के पॉजिटिव टर्मिनल में से कुछ करंट बाहर आ रहा है इसके पॉजिटिव टर्मिनल में से, लेटर से उसे I1 कह देते हैं। अब ये I1 कैसे ही जाएगा आगे, और ऐसे ही हम ये भी लेट कर लेते हैं कि ये जो 6 वोल्ट का सेल है यहाँ से भी कुछ करंट I2 फ्लो कर रहा है। अब इस पॉइंट को हम बी कह देते हैं, इस हम पूरे इसको कुछ नाम दे देते हैं, ए बी सी डी ई एफ। अब आप ध्यान से देखो कि बी पॉइंट पर लेफ्ट साइड से I1 करंट आ रहा है और उसी बी पॉइंट के राइट साइड से I2 करंट आ रहा है। तो ये दोनों करंट मीट होकर बी से ई की तरफ चले जाएंगे, I1 प्लस I2। ये किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग है कि किसी भी जंक्शन पर, जंक्शन होता है मीटिंग पॉइंट जहां पर एक से ज्यादा तारें मिल रही होती हैं, तो B यहां पर जंक्शन है क्योंकि B से एक A से वायर आ रही है, एक C से वायर आ रही है और एक E की तरफ वायर जा रही है। तो करंट एंटरिंग मस्ट बी इक्वल टू करंट लीविंग। तो B जंक्शन की तरफ I1 करंट एंटर हो रहा है, उसी बी जंक्शन पे सी से I2 करंट एंटर हो रहा है, तो जितना करंट एंटर हो रहा है उनके सम के इक्वलेंट ही करंट बी पॉइंट से लीव भी होना चाहिए, बी पॉइंट से दूर जाना चाहिए। तो बी जंक्शन पे I1 ये करंट एंटर हो रहा है, बी पॉइंट पर दूसरे तरफ से I2 करंट एंटर हो रहा है,
तो तीसरे पॉइंट से सेम करंट लीव होना चाहिए, ये स्टेटमेंट है किर्चोस फर्स्ट लॉ की। आई होप आपको किर्चोस फर्स्ट लॉ क्लियर हो गया होगा, काफी इजी है। अब क्योंकि 2 वोल्ट की बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में से I1 करंट एंटर किया था, तो सेम करंट नेगेटिव टर्मिनल में एंटर करना चाहिए। तो यहां से वो I1 प्लस I2 करंट का I1 वापस नेगेटिव टर्मिनल और 2 वोल्ट चला जाएगा, और I2 करंट 6 वोल्ट की बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में चला जाएगा। तो इस तरह से सबसे पहले हमने किर्चोस फर्स्ट लॉ अप्लाई करके करंट डिस्ट्रीब्यूशन कर ली। तो यहाँ पे मैं किर्चोस फर्स्ट लॉ को थोड़ा सा लिख देता हूँ। तो किर्चोस फर्स्ट लॉ और जंक्शन रूल भी बोलते हैं इसे। जंक्शन, जैसे मैंने अभी बोला, मीटिंग पॉइंट को कहते हैं जहां पे एक से ज्यादा तारें मीट कर रही होती हैं। तो जंक्शन रूल के अकॉर्डिंग करंट एंटरिंग, ऑल करंट्स एंटरिंग एट अ गिवन जंक्शन मस्ट इक्वल टू ऑल करंट्स लिविंग एट द सेम जंक्शन। तो ये एक तरह से स्टेटमेंट या नॉलेज कह लो किर्चॉफ्स फर्स्ट लॉ की। ये लॉ बेस्ड है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, क्योंकि चार्ज करंट का फ्लो होना चार्ज के फ्लो होने के इक्वलेंट है। तो चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, सिमिलरली करंट कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो जितना करंट एंटर होगा एक जंक्शन पे उतना ही करंट लीव होना चाहिए, राइट? तो आपको ये फर्स्ट लॉ समझ में आ गया, और इसको अप्लाई करके कैसे मैंने करंट डिस्ट्रीब्यूशन की। अब हमें ये I1 I2 के लिए सॉल्व करना है। उसके लिए हम किर्चो सेकेंड लॉ लगाएंगे, जिसे लॉ ऑफ लूप भी कहते हैं, लूप रूल भी कहते हैं। तो इसके लिए मेरे को एक क्लोज लूप चाहिए। क्लोज लूप मतलब क्लोज पाथ। अब I1 और I2 करंट निकालने के लिए मुझे दो क्लोज लूप चाहिए। तो पहली लूप मैं ले लेता हूं ए बी ई एफ ए। नाउ इन क्लोज लूप ए बी ई एफ ए, अब इस क्लोज लूप में आपने किर्चॉफ सेकंड लॉ लगाना है। देखो कैसे, आपने जिस ऑर्डर में लिखा है आप उसी ऑर्डर में लेटर से मूव करते हैं। पहले ए से बी मूव करते हैं। अब ए से बी हमें पहले पोटेंशियल ड्रॉप मिलेगा 4 ओम रेजिस्टर के अक्रॉस 4 I1, क्योंकि पोटेंशियल ड्रॉप करंट इनटू रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट होता है, वी इज इक्वल टू आई आर। तो ए टू बी ब्रांच में करंट फ्लो हो रहा है I1 और रेजिस्टेंस है 4 ओम, वो आप डायग्राम से देख सकते हो। आगे चलते हैं बी टू ई। बी टू ई में एक सेल प्रेजेंट है, और जब हम बी टू ई मूव करेंगे तो आप मेन डायग्राम को देखो कि हम बी टू ई मूव करते हुए इसके नेगेटिव टर्मिनल में एंटर करेंगे सेल के, क्योंकि ये नेगेटिव टर्मिनल हमें पहले मिल रहा है सेल का, जब अगर हम बी से ही मूव कर रहे हैं। तो जिस टर्मिनल में एंटर कर रहे हैं उस साइन के साथ उस सेल की वैल्यू लिख लो। तो -4, क्योंकि सेल 4 वोल्ट का है बी टू ई ब्रांच में, और हम नेगेटिव टर्मिनल में इस सेल के एंटर किए थे, राइट? अब चलते हैं ई से एफ। ई से एफ में अगेन एक वोल्टेज ड्रॉप मिल रहा है 2 I1, करंट फ्लो रहा है I1, रेजिस्टेंस है 2, और लास्ट में हम चलते हैं एफ टू ए अपने पाथ को क्लोज करने के लिए। एफ टू ए में भी एक सेल मिल रहा है, अगर हम ध्यान से फिगर को देखें तो सेल के हम नेगेटिव टर्मिनल में एंटर कर रहे हैं और उसकी वैल्यू 2 है। अब
जब हमने ये क्लोज लूप में मूव हो गए और दोबारा ए से चलकर ए में ही आ गए, तो इन सब के अलजेब्रिक सम को जीरो ले लो, ये कहा था किरचॉफ सेकंड लॉ ने। तो ये हमने अप्लाई कर दिया किरचॉफ सेकंड लॉ। तो किरचॉफ सेकंड लॉ और लूप लॉ क्या कहता है? इन अ क्लोज पाथ और लूप द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल पोटेंशियल ड्रॉप्स एंड ईएमएफ्स इज ऑलवेज जीरो। तो ये इसकी स्टेटमेंट है जिसे हमने अप्लाई किया है इस क्लोज लूप में, कि एक क्लोज लूप में चलते हुए जो एल्जेब्रिक सम होता है, सारे जो हमें पोटेंशियल ड्रॉप मिलते हैं और ईएमएफ मिलते हैं सेल्स के, उन सब के सम को हम जीरो के इक्वल कर दे सकते हैं या कर देते हैं। ये बेस्ड है ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्योंकि पोटेंशियल ड्रॉप एनर्जी कंजप्शन है और ईएमएफ एनर्जी सप्लायर है। तो जितनी एनर्जी सप्लाई होगी उतनी ही एनर्जी कंज्यूम भी होगी। अब यहाँ से बड़े आराम से हम I1 के लिए सॉल्व कर सकते हैं, जैसे 4I1 + 2I1 ऐड होकर 6I1 हो जाएगा, -4 -2 -6 राइट साइड जाकर 6 हो जाएगा, तो I1 हो गया 6/6 यानी कि 1 एम्पियर। तो हमने ये एक आंसर निकाल लिया कि सेल 1 में जो करंट फ्लो करेगा वो 1 एम्पियर फ्लो करेगा, राइट। अब ऐसे ही हम I2 निकालने के लिए एक और क्लोज लूप लेते हैं। हम कौन सी क्लोज लूप लेते हैं, मेन फिगर में देखते हैं। हम BCDEB ले लेते हैं, BCDEB इन क्लोज लूप BCDEB। तो हम उस मेन फिगर का हिस्से को बना भी लेते हैं यहाँ पर, ताकि हमें बार बार ऊपर स्क्रॉल ना करना पड़े। तो इसको पाथ को हम बना लेते हैं, जो भी BCDEB का सर्किट था उसको दोबारा से हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। तो BCDEB का ऐसे स्ट्रक्चर था, यहाँ से I2 करंट फ्लो हो रहा था और ये I2 करंट ऐसे फ्लो हो रहा था। इस ब्रांच में करंट I1 + I2 था, ये मेन ब्रांच का ही हमने सेगमेंट एक यहाँ पे उठा लिया है। अब इस क्लोज लूप में भी हम चलते हैं, पहले B से C चलते हैं। B से C रेजिस्टेंस आप देख सकते हो 2 ओम है, करंट I2 फ्लो कर रहा है, तो पहला पोटेंशियल ड्रॉप होगा -2I2। अब पहले ये बात समझने वाली है कि अभी तक तो हम पोटेंशियल ड्रॉप प्लस में लिख रहे थे, लेकिन अभी मैंने पोटेंशियल ड्रॉप माइनस में लिखा है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जब हम B to C मूव कर रहे हैं तो हम करंट की जो डायरेक्शन हमने ली है हम उससे ऑपोजिट मूव कर रहे हैं। तो आपको ये बात याद रखना है कि जब भी हम करंट के ऑपोजिट मूव करेंगे तो उस पोटेंशियल ड्रॉप को नेगेटिव लिखेंगे, अगर करंट के अलोंग मूव करेंगे तो पॉजिटिव मूव कर लिखेंगे उस वैल्यू को, राइट। तो ये इस पॉइंट को भी ध्यान से देख लेना। अब हम C to D मूव करते हैं। जब हम C to D मूव करेंगे तो हम इस सेल के प्लस टर्मिनल में पहले एंटर करेंगे, तो मैं प्लस साइन लिख लूंगा और उस सेल की वैल्यू 6 है तो 6 लिख लूंगा, +6, राइट। तो C to DV हो गया। अब D to E मूव करते हैं। D to E हमें पोटेंशियल ड्रॉप -4I2 मिलेगा, माइनस इसलिए क्योंकि हम अगेन करंट के डायरेक्शन के ऑपोजिट मूव कर रहे हैं डी टू ई जब मूव करेंगे तो।
और लास्ट पार्ट में ई टू बी में हमें एक सेल आ रहा है जिसके हम ई टू बी मूव करते हुए पहले ई से इस सेल के प्लस टर्मिनल में एंटर करेंगे, तो प्लस और उसकी वैल्यू 4 है, और हम बी पे पहुंच जाएंगे, तो इन सब के सम को भी हम क्या कर देते हैं, 0 पे इक्वल। अगेन हम यहाँ से आई टू के लिए सॉल्व कर लेते हैं, तो -6 I2 +10 इज इक्वल टू 0, तो -6 I2 इज इक्वल टू -10, सो I2 इज इक्वल टू -10/-6 यानी कि 5/3 एम्पीयर। तो इस तरह से मैंने इन दोनों सेल से जो भी करंट हमें मिल रहा है वो हमने निकाल लिया। एक बार I1 I2 आ गया तो हम किसी भी ब्रांच में करंट निकाल सकते हैं, क्योंकि हर ब्रांच में जो करंट जा रहा है वो I1 I2 की टर्म्स में ही है, या I1 है या I2 है या I1+I2 है, राइट? तो हम बड़े इजीली किसी भी ब्रांच में करंट निकाल सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल के लिए जैसे मैं करंट थ्रू बीई निकाल के दिखा दूं आपको, बीई ब्रांच। अब आपको ऊपर डायग्राम में नजर आ रहा है कि बीई ब्रांच में जो करंट जा रहा है वो I1+I2 जा रहा है। हमने I1 का आंसर 1 निकाला था और I2 का आंसर 5/3 है, तो इसका मतलब इस ब्रांच में जो करंट जाएगा वो कितना जाएगा, 8/3 एम्पीयर। तो हम किसी भी ब्रांच में करंट निकाल सकते हैं। आई होप इस एग्जांपल से आपको किरचॉफ्स लॉ समझ में आ गए होंगे। इसको और क्लियर करने के लिए हम कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। जैसे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ एग्जाम्पल 3.45 का फर्स्ट क्वेश्चन है। उसमें हमें एक डायग्राम दिया हुआ है, तो पहले हम वो डायग्राम ही बना लेते हैं। तो हमें ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट दिया हुआ है, तो इस इलेक्ट्रिक सर्किट में हमें ये कुछ सेल्स और कुछ रेजिस्टेंस शो किए गए हैं। और हमसे पूछा है इस क्वेश्चन में फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। हमें ए और बी पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना। अब इसे कैसे करें, क्योंकि यहाँ तो कोई क्लोज सर्किट नहीं है, क्लोज लूप नहीं है, तो ये तो एक ओपन लूप है। अगर हम ए टू बी मूव करेंगे तो एक ओपन पाथ है, क्लोज पाथ नहीं है, मतलब हम वापस घूम कर वहीं नहीं आएंगे। लेकिन इसका भी तरीका कुछ वैसे ही है, हम ए टू बी सिंपल मूव करते हैं। इसे लिखेंगे फॉर ओपन पाथ ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी। तो हमें ए टू बी मूव करना है, और बिल्कुल वैसे ही तो ए टू बी मूव करते हुए जो ए और बी पॉइंट में पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा वो कितना मिलेगा, आप ए टू बी में जो भी पोटेंशियल ड्रॉप और ईएमएफ आ रहे हैं उनका उनको फाइंड करते जाओ। जैसे जब हम ए टू बी मूव करेंगे तो पहले हमें एक 9 वोल्ट का सेल मिलेगा, तो और हम इसके पहले पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर करेंगे तो +9 लिख लेंगे। फिर ये 3 एम्पियर का करंट 1 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप मिलेगा, तो +3 × 1 पोटेंशियल ड्रॉप मिलेगा। फिर हम दूसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर करेंगे जिसकी वैल्यू 8 वोल्ट है, तो +8 लिख लेंगे। फिर दोबारा वही 3 एम्पियर का करंट 2 ओम के रेजिस्टर में से फ्लो करेगा, तो हमें पोटेंशियल ड्रॉप 3A × 2 ओम मिलेगा। और लास्ट में हम फिर थर्ड सेल के पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर करेंगे,
और 7 वोल्ट उसकी वैल्यू है, तो +7 लिख लेंगे। ऐसे करके हम बी पे पहुंच जाएंगे। तो बस अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो हमें ए और बी पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस पता लग जाएगा। ये हो जाएगा 9 + 3 + 8 + 6 + 7। अगर हम इन सबको जोड़ लें तो ये 33 वोल्ट आंसर आ जाएगा। सो दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी। आई होप इस एग्जाम्पल से आपको पोटेंशियल डिफरेंस भी निकालना आ गया एक ओपन पाथ के लिए। तो किरचॉफ्स लूप लॉ क्लोज पाथ के लिए भी लग सकता है, बट पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए ओपन पाथ के लिए भी लग सकता है। क्लोज पाथ अगर किसी को नहीं पता, तो अगर हम घूमकर वापस वहीं आ जाते हैं जहां से चले थे, तो उसे क्लोज पाथ कहते हैं। और ओपन पाथ जब हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पहुंच जाते हैं लेकिन वापस नहीं आते। तो ये ए टू बी ओपन पाथ है, क्योंकि हम ए टू बी जा तो रहे हैं लेकिन लौट कर ए पर वापस नहीं आ रहे। तो ये क्वेश्चन अच्छे से देख लेना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसी एग्जाम्पल का सेकेंड पार्ट पिक करते हैं। तो एग्जाम्पल 3.45 में एक सेकेंड पार्ट है, जिसमें अगेन पहले आपको एक इलेक्ट्रिक सर्किट गिवन है। तो पहले हम उस सर्किट को केयरफुली बना लेते हैं। तो ये हमें एक सर्किट गिवन है, तो लेट मी ड्रॉ दिस सर्किट फर्स्ट। अगेन कुछ सर्किट में बस सिंपल कुछ सेल्स और कुछ बैटरीज दिखाई होंगी, तो हम वो ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमें एक ऐसा इलेक्ट्रिक सर्किट दिया हुआ है। तो हमें ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट दिया हुआ है, और हमें इस इलेक्ट्रिक सर्किट में पूछा है, पहले इसके भी दो पार्ट हैं सॉल्व करने के। ए पार्ट में पूछा है फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी। तो हम एक एक पार्ट ही करेंगे पहले। तो हमें ए और बी पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। अब इसके लिए फिर हमें पहले करंट डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। तो हम देखते हैं करंट कहाँ से फ्लो करेगा, किस रास्ते फ्लो करेगा। तो लेट अस से हम मान लेते हैं कि ये जो 20 वोल्ट की बैटरी है, इसके पॉजिटिव टर्मिनल से कुछ करंट आई, फ्लो किया। अब जो मिडल आर्म है, जिस मिडल आर्म में ए बी पॉइंट नजर आ रहे हैं, वहां से कोई करंट नहीं फ्लो कर सकता। कारण, क्योंकि वहां पे ए और बी एक ओपन पाथ है, मतलब ए और बी डिसकनेक्टेड है, तो करंट को फ्लो होने की कॉन्टिन्यूटी नहीं मिलेगी। करंट एक क्लोज रास्ते से ही फ्लो कर सकता है, तो मिडल आर्म में कोई करंट नहीं जाएगा। और अगर मिडल आर्म में कोई करंट नहीं जा सकता, तो करंट के जाने का एक ही रास्ता बचा है इसके पेरिफेरी पे। तो सिर्फ एक ही करंट आई फ्लो करेगा इस सर्किट के पेरिफेरी पे, जैसे मैंने आप ये रेड कलर के पेन से दिखा दिया है। रेड कलर का पेन एक तरह से आंसर फिगर बता रहा है इस सर्किट में। तो आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा कि मिडल पाथ में क्यों नहीं करंट फ्लो करेगा। अब हम इसको कुछ भी नाम दे देते हैं, एंड पॉइंट को पी क्यू आर एस टी यू, कुछ भी आपने अल्फाबेटिकली नाम दे दिया। अब सबसे पहले हम
ए और बी में पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए हमें ये करंट आई निकालना पड़ेगा, और करंट आई निकालने के लिए हम क्लोज पाथ बिल्कुल पेरिफ्री वाला ले लेते हैं। इन क्लोज पाथ पी क्यू आर एस टी यू पी, तो हम बिल्कुल पेरिफेरल पाथ पे मूव करेंगे। पहले पी टू क्यू मूव करो, वहां रेजिस्टेंस है 2 ओम, करंट है आई, तो पहला पोटेंशियल ड्रॉप मिलेगा 2 आई। फिर क्यू टू आर, करंट है 1, सॉरी रेजिस्टेंस है 1 ओम, करंट है आई, तो 1 × I। फिर आर टू एस, हम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेंटर एंटर करेंगे, +10 लिख लो। फिर आगे चलो +2 I, आर एस भी कंप्लीट हो गया। अब एस टू टी मूव करो, वहां 2 I पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा, टी टू यू I × 1 हो जाएगा। फिर यू से पी, पहले 2 I जब हम रेजिस्टेंस में से मूव करेंगे, और हम 20 वोल्ट के सेल में माइनस टर्मिनल में एंटर कर रहे हैं यू से पी मूव होते हुए, तो -20 वैल्यू लिख लो, और किरचॉफ्स क्लोज लूप लॉ के अनुसार इन सबका सम 0 कर दो। तो मैंने इन सबको 0 के इक्वल कर दिया। अब हम इसे यहाँ से आई के लिए सोल्व कर लेंगे, तो देखते हैं 2 I की आई कितना बार आ रहा है। 2 I + I 3 I + 2 I 5 I + 2 I 7 I + I 8 I + 2 I 10 I, तो ये ऐड होकर 10 I हो जाएगा। 10 - 20 - 10 हो जाएगा = 0। हम यहाँ से आई के लिए सॉल्व कर लेते हैं, 10 I = 10, तो I = 10/10 1 एम्पियर। तो इस तरह से हमने पहले निकाल लिया कि इस सर्किट में जो करंट फ्लो करेगा वो 1 एम्पियर फ्लो करेगा। यहां तक क्लियर है? ओके। अब हमें ए टू बी पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो उसके लिए हमें ओपन पाथ लेना पड़ेगा। तो आप ए से बी पहुंचो किसी ओपन पाथ में, तो इन ओपन पाथ क्यू आर एस ए क्यू आर एस टी बी, तो हम ए से बी मूव करेंगे एक ओपन पाथ में, ए टू क्यू मूव करेंगे, फिर क्यू टू आर एस टी बी, और फिर से वही। तो किसी भी ओपन पाथ में, क्योंकि हम ए टू बी मूव कर रहे हैं, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वी ए माइनस वी बी, वो किसके बराबर होगा? बिल्कुल वैसे ही। अब आप ए टू क्यू पहले देखो, हमें कुछ नहीं मिल रहा, क्यू टू आर करंट आई है, रेजिस्टेंस 1 है, तो I × 1। फिर हम आर टू एस मूव करेंगे, आर टू एस में हम +10 वोल्ट की बैटरी में एंटर करेंगे, और फिर 2 I हमें पोटेंशियल ड्रॉप मिलेगा। फिर एस टू टी 2 I हो जाएगा। फिर टी टू बी, एक्चुअली कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा है, तो I 0 होगा, लेकिन हम -5 लिखेंगे, क्योंकि हम जब टी टू बी जाएंगे तो हम जो मिडल सेल है उसके नेगेटिव टर्मिनल में एंटर करेंगे। अब हम आई की वैल्यू पुट कर देते हैं, आई हमने 1 निकाला है, तो ये 1 + 10 + 2 + 2 - 5 हो जाएगा, बिकॉज I = 1 एम्पियर हम फाइंड कर चुके हैं इस सर्किट में करंट। इसे सॉल्व कर लेंगे तो बड़ा इजीली हमारा ए और बी पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, 10 + 2 = 12 + 2 = 14 + 1 = 15 - 5 = 10 वोल्ट। सो दिस इज द आंसर ऑफ ए पार्ट, कि जो ए और बी में पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा वो कितने वोल्ट का हो जाएगा? 10 वोल्ट का। आई होप आपको इस क्वेश्चन का ए पार्ट क्लियर है, कि कैसे हमने ए और बी में पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड किया। इसको भी अच्छे से देख लेना। सो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। इन दोनों क्वेश्चंस को देख लेना, ताकि आप किरचॉफ्स लॉ कैसे अप्लाई होता है वो आपके समझ में आ जाए। नेक्स्ट फिर हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।